हेलो फ्रेंड, मौर्य ऑटो रिपेयर्स के नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज इस गाड़ी में प्रॉब्लम आया है हीरो एचएफ डीलक्स में कि इसका बार बार फ्यूज उड़ जा रहा है, कि जैसे ही हम हैंडल को इधर उधर घुमाते हैं या हम चाबी को ऑन करते हैं तो जैसे तुरंत यहाँ से न्यूट्रल का ये जो बल्ब है यहाँ से बंद हो जाता है और बाइक का जो लाइट है और ये सब ये फंक्शन है, इंडिकेटर और हॉर्न सभी कुछ एक साथ में बंद पड़ जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कहां से किस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ में भी, तो इसको आप अपने घर पे भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस गाड़ी में इस तरह से कई बार कई मैकेनिक को इन्होंने दिखाया, लेकिन ये कई सभी मैकेनिक भाई जो हैं इसे देख लीजिए, यहाँ पे फ्यूज जो लगा हुआ है दोनों फ्यूज का, ये इसको भी मैं अभी मैं भी एक फ्यूज लगाया हूँ और ये देखने के लिए, तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से किस तरह से फ्यूज का बीच से ये कट गया है, बीच से आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए कट गया है। और एक फ्यूज अभी मैं जो नया लगाया हूँ उसको भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से इस ये भी कट गया है। तो इस तरह से अगर ये बार बार फ्यूज ऐसे उड़ जा रहा है रास्ते में, तुरंत चलते हैं 5 मिनट में 10 मिनट में और कई मैकेनिक भाई के पास दिखाए तो ये फ्यूज लगा के ही छोड़ देते हैं, कोई इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं किए। तो फ्रेंड मैं आज इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने जैसे ही एक इस फ्यूज को लगाया और हैंडल को घुमाया तो थोड़ा सा जैसे बाइक जो हमारी हिल कंपन हुआ, जैसे ही स्टार्ट किए तो तुरंत अचानक से ऐसे हमारा इंडिकेटर का थोड़ा सा इसे अर्थिंग ऐसे महसूस हुआ कि इंडिकेटर हमारा काम कर रहा है बिना इसको हम स्विच को प्रेस किए, क्योंकि मैं यहाँ से इंडिकेटर का जब नहीं प्रेस किया हूँ तब भी वहाँ से हमारा ट्यूटर आवाज़ किया, तो हमें थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं से ज़रूर यहाँ पे फॉल्ट है। तो इसलिए मैं तुरंत ही इसको मैंने यहाँ से देखिए यहाँ से खोला हूँ, यहाँ से इसको खोल के और मैंने इस जो है फ्लैशर के तार को मैंने चेक करने की कोशिश की, तुरंत मैंने देखा कि देखिए फ्रेंड यहाँ से और इस तरह से देखिए यहाँ पे भी कटा हुआ है थोड़ा सा, और ये जो आपका मेन वाला वायर है ये आके यहाँ पे बॉडी में यहाँ से इस तरह से फिटता कुछ इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह से था, ये इस तरह से था ऐसे, तो यहाँ से ये फ्रेंड यहाँ पे बॉडी में टच हो रहा था, क्योंकि ये मेन वायर है और आपका यहाँ पर ये जो आपकी बॉडी है यहाँ पर अर्थिंग रहता है, एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर रहता है, तो अगर ये बॉडी में कहीं से भी टच होगा तो ये आपका तुरंत फ्यूज उड़ने का चांस यहाँ से हो जाता है। तो चलिए मैं इसको पहले टेस्टिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो चलिए हम मैं इसको पहले टेपिंग करता हूँ। फ्रेंड आपको भी आपके साथ भी इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो कभी भी बार बार फ्यूज उड़े तो आप यहाँ से भी एक बार ज़रूर चेक करिए, इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले टेपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको फ्यूज को दोबारा लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि नहीं तो ऐसा में क्या होगा कि ये फ्यूज दोबारा से भी फिर उड़ जाएगा। तो मैं दो फ्यूज लगा के देख चुका था, इसलिए पहले मैंने जो देख लिए इसको कंप्लीट मैंने इसको सॉल्यूशन की यहाँ से ही प्रॉब्लम है, तो मैं इसीलिए वीडियो बनाया कि ताकि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप पहले यहाँ से भी चेक कर लीजिए इस तरह से अगर आपके प्रॉब्लम हो। तो चलिए मैं इसको टेपिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से टेपिंग कर लिया है, पहले मैं दोनों वायर को अलग कर दिया, इसके बाद में मैं टेपिंग दोनों को इकट्ठा करके कर दिया हूँ, और उसके बाद में फ्रेंड मैं आपको यहाँ से न्यू वाला फ्यूज यहाँ पे है जो मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए ये कंप्लीट आपका है, ये ओरिजिनल फ्यूज है आप मैं लगा रहा हूँ, तो इसको मैं लगा के उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पास में थोड़ा होके करता हूँ, देख लीजिए यहाँ से हो गया और अब ये मैं दिखा रहा हूँ फिर से। तो फ्रेंड देखिए मैं इसको जब लगाया तो फिर भी नहीं जला, क्योंकि एक साथ में यहाँ पे भी फ्रेंड देख लीजिए ये वाला फ्यूज भी मैंने देखा कि देखिए ये वाला फ्यूज भी कट गया है, क्योंकि देख लीजिए मैं अभी आपको एक दिखा रहा था सिर्फ, एक पहले का और एक मैं पहले अभी लगाया हूँ, तो तीन फ्यूज हो गया, तो फ्रेंड ये वाला फ्यूज भी एक साथ में चला गया है। तो मैं चलिए नया उसको भी ला के लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड देखिए मैं इसको न्यू वाला लेके आया हूँ, तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, देख लीजिए ये कंप्लीट है, पहले चाबी ऑफ है गाड़ी का, अभी ऑफ ही रहने देते हैं, पहले मैं इसको लगा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ से मैंने इसको लगा दिया, और उसके बाद में अब मैं
चाबी को ऑन करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड अब देख लीजिए यहाँ पे तुरंत आ गया, क्योंकि दोनों फ्यूज उड़ने के कारण मैंने एक ही लगाया, मैं उसको दोबारा एक ही पहले उड़ा था तो इसलिए मैंने उसको एक ही देखा, दूसरा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जब मैं उसको लगाया और फिर भी नहीं न्यूट्रल जला तो मैंने दूसरा वाला फ्यूज भी देखा, क्योंकि इस तरह से स्पार्क दोनों वायर पर कर रहा था। तो ये इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट हो चुका है। और मैं हैंडल को घुमा के देखता हूँ ये, और कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड अगर आपके साथ भी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप इसको इसी तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस जगह पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपका ये यहाँ से टाइट रहता है, इस तरह से कुछ भी फंसा रहता है इस गाट में, तो आपका वायर जो है आपका यहाँ पे आके टच होता है। तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे जंग थोड़ा पड़ा है उस जगह पे तुरंत, क्योंकि पेंटिंग वहाँ पे थोड़ा नहीं है इसलिए तुरंत वहाँ पे असर कर गया था। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।